हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। जैसा कि मैंने बोला था आपको कल की मैं आपके लिए रीडिंग निकालूंगी कि थर्ड पार्टी को लेकर मैं रीडिंग निकालूंगी। कल मुझे थोड़ा चैनल हो गया था कि थर्ड पार्टी के मन में क्या है, क्या सोच है, किस लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके बैठी है, पकड़े बैठी है, छोड़ नहीं रही है। तो किस भावना से उसने आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते को बिल्ड किया है और उसके क्या इंटेंशन है आपके पर्सन को लेकर, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है और वो अपने जो इंटेंशन है उसमें कामयाब होगी। मीन्स इनका आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम देखेंगे हम। हमेशा आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या, उनका फाइनल आउटकम क्या, ये निकालते हैं। आज हम थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं। थर्ड पार्टी के क्या इंटेंशन है, क्या सोचकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके बैठी है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ आगे क्या करने वाली है नेक्स्ट एक्शन में, और फाइनल आउटकम में हमें पता चल जाएगा वो जो कर रही हो होगा या नहीं। मीन्स वहाँ पे आपके पर्सन का रिस्पॉन्स है, रिप्लाई क्या है, अब हमें वो मिल जाएगा। और उसके बाद हम आपके लिए एक स्प्रेड निकालेंगे कि आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। और अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती तो मैं मैसेजेस लूँगी, अदरवाइज मैसेजेस के लिए मैं एक अलग ही रीडिंग निकालूंगी। कि मैसेजेस में क्या होता है ना गाइस, कि उनका मन आपको लेकर क्या सोचता है और उनका मन आपको लेकर क्या कहता है, तो वो सारे डिटेल्स भी हमें मिल जाता है। इसीलिए मैसेजेस की रीडिंग में मैं जब भी कभी निकालो तो उनको वर्ड मत करना, क्योंकि होता है कभी बातें जुबान पर नहीं आती, बातें दिल में ही रहती। तो ऐसी कौन सी बात है जो आपके पर्सन के दिल में रहती है वो बोल नहीं पाते आपको लेकर, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए जानते हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हमेशा की तरह बोलती हूँ, रीडिंग को आपको जनरल गाइडेंस के तौर पर ही देखना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, यह आपके अपनी लाइफ है गाइस। तो किसी भी कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको इतना बड़ा फैसला लेना नहीं है। हाँ, सोचना ज़रूर है, अलर्ट मैसेज है, उसके ऊपर ध्यान आपको ज़रूर देना है। ज़्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी ये चीज़ है। कभी कभी हमारा बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना भी हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आखिर वो थर्ड पार्टी क्या सोचती है, उसके क्या इंटेंशन है, उसके मन में क्या है, तो हमें ये सब कुछ जानना है। तो इस स्प्रेड थ्रू आप हमें इन बातों के ऊपर रोशनी डालिए और हमें गाइड कीजिए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू डिवाइन। थर्ड पार्टी बोला नहीं कि पहले टेन ऑफ सोर्स का कार्ड आ जाता है। उसने बहुत सोच समझकर ही रिलेशनशिप किया है थर्ड पार्टी ने, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और प्रॉपर प्लानिंग में क्या आता है ना, आपके पर्सन या तो एक अथॉरिटी फिगर है, आपके पर्सन का फाइनेंस बड़ा अच्छा है, बॉस है किसी कंपनी के, आपके पर्सन की बात सारे सुनते हैं। मीन्स आपके पर्सन बहुत पावरफुल पर्सन है और उसको एक पेंटेकल के लिए मीन्स मनी सपोर्ट के लिए थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस रिलेशनशिप को किया है। असल में थर्ड पार्टी की असलियत ये है, बैकस्टैबिंग करना, बिट्रेयल करना, एक एनिमी है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में। और आपके पर्सन के लाइफ का सबसे बड़ा फेल्यूर का रीजन थर्ड पार्टी ही बनी है या फिर बनने वाली है। इस हद तक आपके पर्सन के साथ धोखाधड़ी करने वाली है या फिर कर चुकी है जब तक ये मर नहीं जाते। मीन्स नोच नोच के खाएगी थर्ड पार्टी। लेना देना कुछ है नहीं थर्ड पार्टी को, बस उसको अपने सारे शौक हैं, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लाइफ को एंजॉय करना। सेल्फिश है आपके पर्सन, थर्ड पार्टी की ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर थर्ड पार्टी के पास गए हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन जब उनके साथ गए
तो थर्ड पार्टी ने इनसे अच्छी बॉन्डिंग बना ली सबसे पहले। उसने आपके पर्सन को हीरा कि आपके पर्सन को किन बातों से कंप्लेन है, और आपके पर्सन के कंप्लेन में अगर आप ज़्यादा रहे हैं तो थर्ड पार्टी ने क्या किया ना, उसके ऊपर अपना फोकस आउट किया। मीन्स वॉट, समझ लो आप कोई फीमेल है और आपके हस्बैंड में फीमेल है, तो मैं फीमेल जैसे ही मैं बोल रही हूँ गाइज, आप अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। मेल है तो आप वहाँ उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा प्लीज़। तो आप फीमेल है और हस्बैंड वाइफ है, आप फीमेल है, अब हस्बैंड वाइफ है, लंबे समय से आपका रिश्ता है, तो उसमें कुछ ना कुछ नोकझोंक हुई है, कुछ ना कुछ गुस्सा हुआ है, आपकी वजह से आपके पर्सन कई हर्ट हुए हैं। वैसे आप भी कई दफ़ा हर्ट हुए हैं, बट ये आपकी बात छोड़ो, आप तो फिर भी अपने पति को परमेश्वर मानकर उनको पूछती है। बट इन्होंने ऐसे नहीं किया, आपके पर्सन ने क्या किया ना, आपने ये छोटी छोटी बातें थी, इसके ग्रजेस अपने मन में रखे, और जब इनको कोई ऐसा थर्ड पार्टी जैसा पार्टनर मिला, तो थर्ड पार्टी का तो पहला ये है, आप भी देखिए जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहने वाले जो कोई भी लोग होते हैं, ये मेल भी होते हैं फीमेल भी होते, उनको बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि सामने वाले को कैसे कैच करना है, अपने जान में कैसे फंसाना है, तो उनके पास वो पूरी कला होती है, वो उसमें बहुत मास्टर होते हैं। अब ये गए आपके पर्सन उससे बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, पहले बातें हुई तो बातों बातों में थर्ड पार्टी ने ये जाना कि आपके पर्सन को आपको लेकर काफ़ी कंप्लेंस है। फिर उसने धीरे धीरे वो कंप्लेंस जानी, ये जो टॉप कप में देख रहे ना उसको देख के मुझे बता रही। फिर धीरे धीरे उसने वो और सेवन ऑफ पेंटेकल सोचा, वो कंप्लेन जाने, और फिर उसके ऊपर उसने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए। अब ये सच वाले है या फिर दिखाने वाले है ये तो आपके पास नहीं जाने, क्योंकि बाद में एक्सपीरियंस आपके पास से नहीं लिया है। उसके ऊपर ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री थर्ड पार्टी ने अपने एडवांस मॉडिफिकेशन किए, और फिर आपके पर्सन के सामने ऐसा मॉडल बन के तैयार होगी, तो आपके पर्सन को ऐसे लगेगा कि अरे ये थर्ड पार्टी तो वो पर्सन ही, वो बंदा है, वो बंदी है जिसकी मुझे तलाश थी, ये मुझे अच्छे से समझती है, ये तो बिल्कुल वैसे नहीं जैसे आप थे। ऐसा कुछ आपके पर्सन के सामने हो गया। अब उसने ऐसा क्यों किया, आपके पर्सन के साथ इनिशिएट करके उसको भी कोई पावर मिलती है, उसको भी कोई स्ट्रेंथ मिली है, उसको भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, और ख़ास कर यहाँ पे स्टेबिलिटी उसको मिली है अपनी लाइफ में, ठहराव उसके लाइफ में आया है, या फिर किसी किसी के थर्ड पार्टी ने ऐसा लगा कि चलो भाई हमें तो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है, अच्छा बकरा फांसा है मैंने। बट असल में क्या है, या तो थर्ड पार्टी ने ये किया है, नहीं तो ये करने वाली है, आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। आपके पर्सन सोच भी नहीं सकते उस हद तक थर्ड पार्टी की ख्यालात या फिर उस हद तक थर्ड पार्टी के प्लानिंग है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टावर मोमेंट है, या तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में ब्रेकअप हो गया है, नहीं तो बहुत जल्दी ब्रेकअप होने वाला है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे आ गया वो टावर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टावर, तो ऐसे आ गए हो। सडनली बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कोई भाग रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन फिर से लाइफ में आ जाए, इसके लिए या तो किसी से हीलिंग ले रही है या फिर कुछ कर रही है, उसकी विश है आपके पर्सन वापस उसके लाइफ में आ जाए। या तो आपके पर्सन के साथ ये धोखाधड़ी वाला चैप्टर हो चुका है और आपके पर्सन ने उसको डिटैच करके रखा है, नहीं तो ये चीज़ें होने वाली है। कंपेयर कर कर के आपके पर्सन को ये जताया जा रहा है कि आप कितने बुरे और वो कितनी अच्छी है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के पैसे पे ऐश करना है, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपनी सारी विशेष पूरी करनी है। हो सकता है आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी बाहर घूमने भी गई थी या फिर अक्सर जाती है, और उसके चक्कर में आपके पर्सन का काफ़ी लॉस भी हुआ है।
मीन्स अगर ये थर्ड पार्टी जब से आपके पर्सन के लाइफ में आई है तब से आपके पर्सन ना तो काम पे ज़्यादा फोकस आउट होते, वो ज़्यादातर बात उनका थर्ड पार्टी का ही दिमाग में रहती है, घंटों फ़ोन पर बातें करना या फिर घंटों मिलने के लिए जाना, बाहर घूमने के लिए जाना। ऐसे में आपके पर्सन का अगर बिजनेस करते न तो बिजनेस के ऊपर ध्यान है न तो काम के ऊपर ध्यान है। जॉब में हद से प्रमोशन निकलते जाते हैं, जॉब में ज़्यादा फोकस आउट नहीं होते हैं। आपके पर्सन की भी मेंटेलिटी कुछ ऐसी बना दी थर्ड पार्टी ने कि खाओ पियो ऐश करो मजा करो, लाइफ में क्या रखा है, लाइफ कहाँ मिलने वाले, तो जितना है हमारे हाथ में तो उसको उड़ा दो। और आपके पर्सन भी ऐसे ही कुछ हो गए थर्ड पार्टी के चक्कर में रह के, बट ऐसे करते हो तो आपके पर्सन दिन ब दिन किस घाटे में जा रहे हैं आपके पर्सन को कुछ पता नहीं है। इनके हाथ से अच्छे अच्छे क्लाइंट छूटे जा रहे हैं, इनके हाथ से प्रमोशन जा रही है, इन्होंने थर्ड पार्टी में इतने मदमस्त है, इतने व्यस्त है आपके पर्सन के, इन्होंने सब इम्पोर्टेंट लोगों से अपना कटआउट कर लिया है, कर्जे पे कर्जा उठाए जा रहे हैं आपके पर्सन। हाँ पेंटेकल को क्लेरिफाई करेंगे। हाँ थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझ कर ही आपके पर्सन के साथ ये रिश्ता मेंटेन किया है, बिकॉज ही इज अ वेरी टॉक्सिक। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ब्यूटी से, बॉडी से अट्रैक्टेड है, फिजिकल इंटीमेसी से आपके पर्सन को बहुत होती है थर्ड पार्टी को लेकर, और आपके पर्सन उस चीज़ से थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गए, और थर्ड पार्टी ने इसी बात का सहारा लेकर, इसी बात को ढाल बनाकर आपके पर्सन को पूरे अपने जाल में फंसा लिया है। अरे वे सोच रहे कि आपके पर्सन से कौन कौन सी बातें कैसे कैसे निकालनी है, पूरा निचोड़ कर ही आपके पर्सन को छोड़ेगी थर्ड पार्टी। जब कुछ नहीं रहेगा आपके पर्सन के साथ घाटा होता रहेगा, खुद ही आपके पर्सन को किक मार के जाएंगे। अगर आपके पर्सन फिर भी नहीं जाते, क्योंकि आपके पर्सन को अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, अटैचमेंट नहीं बोलूँगी एडिक्शन होगी, वो भी फिजिकल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी को लेकर, फिर भी आपके पर्सन नहीं जाते तो आपके पर्सन के सामने कोई चीटिंग करेगा। जो आपका की एनर्जी बताइए, मैंने क्या बोला, यही तो बोला था ना कि बहुत सोच समझ कर चीज़ें हो रही, वही भी बहुत सोच समझ कर उस रिश्ते को बिल्ड किया है। सेवन ऑफ पेंटेकल एंड टू ऑफ कप, प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है। ऐसा पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए इंजन, इसीलिए स्टार्ट की है, वही विश फुलफिलमेंट है आपके पर्सन, सब कुछ देंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी की अपनी फैमिली की भी जरूरतें आपके पर्सन कंप्लीट करते हैं। थर्ड पार्टी भी मैरिड है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दोनों से चल रही है, क्योंकि दोनों को मैरिज की कोई पड़ी नहीं है, बस एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो इसमें आपके पर्सन की ज़रूरत है फिजिकल डिज़ायर, और थर्ड पार्टी की ज़रूरत है पैसा। और अगर थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के फैमिली, इनके पेरेंट्स, इनके भाई, इनके बहन, सबके लिए अवेलेबल है मनी वाइज। एम्परर की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ कप, प्यार जताती है बहुत थर्ड पार्टी, क्योंकि चाहिए उसको पावर, चाहिए उसको पैसा, चाहिए उसको अपनी सत्ता चाहिए। आपके पर्सन फिर भी फिजिकल डिजायर करते करते इमोशनली अटैच बहुत हो गए थर्ड पार्टी से, बट उसके दिमाग में सिर्फ ही प्लानिंग प्लॉटिंग, और वो बहुत से दिमाग चल रहा है। टेन ऑफ सोर्स के एनर्जी क्यों है, बट प्यार से पेश बहुत आती है, प्यार से पेश आती है, बट उस प्यार में प्यार शब्द में प्यार का अर्थ नहीं है, या फिर प्यार इस शब्द में वो प्यार नहीं है जो जताती है, बट वो है नहीं, आपको जताना आ नहीं रहा है, और आपके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार भरा है, बट आपको जताना आया नहीं, उसको सिर्फ जताना आ रहा है, उसको करना नहीं आ रहा है। टेन ऑफ सोर्स के एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटेकल,
पैसा लेकर ही छोड़ेगी, हरदम बोलेगी इसके लिए पैसा दो, उसके लिए पैसा दो। जब भी पैसे की बात आती है ना, वो इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है ना, मानो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी उठाना आपके पर्सन का फर्ज है। आपको तो भूल ही जाते हैं, बट उसके लिए हर फर्ज उठाना आपके पर्सन का फर्ज ऐसे आपके पर्सन को लगने लगता है। बट ये सरासरी क्या है ना, ये झूठ है, ये सरासरी फरेब है, सरासरी फ्रॉड है, स्कैंडल है, ये स्कैम है। ये तो आपके पर्सन अब समझ गए हैं, ये तो समझने वाले बहुत जल्द, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और जब आपके पर्सन को बर्डन होने लगता है, आपके पर्सन ये बात बताते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बर्डन उठाते उठाते आपके पर्सन की पूरी पीठ ही चली जाती है बैग ले लेकर, तो बड़े प्यार से पेश आती है। ऐसा नहीं, आपको आपके पर्सन को चीजें रियलाइज होती है कभी कभी, आपके पर्सन सोचने के लिए बैठ जाते हैं, और जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से थोड़ा मनमोटाव होता है, आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं, ये बर्डन कैरी करते हैं, बातें करना कम करते हैं, तो वो क्या करती है ना, वो फिर से आपके पर्सन से बड़े मीठी बातों से फंसा लेती है आपके पर्सन को वापिस। वो क्योंकि आपके पर्सन जैसा गधा उसको मिलने वाला है नहीं, भाई ये गधा भी चला गया तो मेरा बर्डन, मेरे फैमिली का बर्डन कौन उठाएगा। वो आपके पर्सन को गधा समझती है, बट आपके पर्सन यहाँ पे शिकार हो गए उसके। आपके पर्सन है बड़े होशियार है, चालाक, एक अथॉरिटी पोजीशन पे है, बट इस मामले में आपके पर्सन सच में बहुत इनोसेंट है। देखिए नैना पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है डेविल, और इस बात की ही कमी थी। और ऐसा कैसे कर रही थर्ड पार्टी, कोई है भी ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक भी कैसा किया है ना कि आपके पर्सन को सेक्सुअल अट्रैक्शन सिर्फ थर्ड पार्टी से ही रहे, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अलावा किसी और के साथ नहीं जाए, कोई संबंध नहीं बढ़ाए, सिर्फ आप उसी का नशा आपके पर्सन के ऊपर छाया रहे, ऐसा कुछ एडिक्शन या फिर स्पेल आपके पर्सन के ऊपर किया गया है, आदत लगा दी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने गंदी, ड्रिंकिंग की आदत हो सकती है, यहाँ तक किसी किसी के लिए बात आ रही कि ड्रग्स एडिक्शन भी हो सकते हैं आपके पर्सन को, नशे में धुत रहना और फिर सारा काम निकलवा देना। तो आप पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग हो रही थर्ड पार्टी की, एक चीज निकालने के बाद दूसरी कैसे निकाले इस बात के बारे में हमेशा उसका एक प्लानिंग, एक दिमाग और हमेशा रेडी रहता है। अब आगे का क्या, नेक्स्ट क्या करना है, आपके ऊपर भी निगाह है। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटेकल, सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटेकल, पकड़ के बैठी है, नहीं छोड़ रही आपके पर्सन को, बहुत सेल्फिश है, मनी मनी ग्रीडेड है, जाने ही नहीं दे रही आपके पर्सन को कहीं भी। अगर आपके पर्सन कहीं जाने की बात करते तो वो चिपकी रहती है, टावर मोमेंट एम्परर, आपके पर्सन के ऊपर ही कोई टावर मोमेंट या तो है नहीं तो आने वाला है। आखिर क्या फायदा, फिर से आपके पर्सन को कंफ्यूज करती है जो हमेशा करती आई है, भांडा फूट जाता है तो इमोशनल ड्रामा कर देना, एक नई नई स्टोरी ला देना सामने आपके पर्सन के सामने, आपके पर्सन हो जाते हैं कंफ्यूज, या तो आपके पर्सन के बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हुआ है, नहीं तो आपके पर्सन के पोजीशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, नहीं तो होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। घाटे का सौदा बहुत बड़ा कर लिया आपके पर्सन ने, मेल हो या फीमेल गाइस, आप भी किसी पर्सन से अगर कम्युनिकेशन में है तो कभी भी अपने लाइफ के सीक्रेट्स इतने जल्दी किसी को नहीं बताना। यहाँ पे देखिए सच कौन कितना सच है पता नहीं, बट आपकी
कहानी का कोई, आपकी भी स्टोरी है, उसका कोई गलत फायदा डेफिनेट उठाता है। बहुत मुश्किल से अपनी बातें बताने, या मैं तो बोलती बतानी ही नहीं चाहिए अपनी कोई भी सीक्रेट्स। उसको लेकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग का गेम होता है। इमोशनली इमोशंस के जिस पर्सन को ज़रूरत होती है ना, सबसे डेंजर जोन में वही लोग होते हैं, क्योंकि इनका सबसे एक कमज़ोर हथियार आप खुद ही सामने वाले पर्सन के हाथ में दे देते हो। आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपके लिए बहुत सोचता है, करता है, असल में है नहीं। जब तक आपसे मतलब निकलता है, तब तक ही आपके साथ अच्छे से रहता है, सब कुछ बॉन्डिंग, सब कुछ करता है जैसा आप चाहते हैं वही करते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं। जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, या फिर आपसे रिश्ता निभाना उस पर्सन के लिए, उस बंदी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो आपको किकआउट करके चला जाता है। फिर आपका दर्द ये दुगना हो जाता है। 200% कंफर्म हुए बगैर आपको अपनी किसी भी सिचुएशन कभी सामने वाले को बतानी नहीं चाहिए, खासकर अगर आप मेल हो तो। फीमेल के लिए भी होती है बड़ी बात, तो मेल का तो इकोनॉमिकल लॉस का भी बड़ा खतरा होता है। फीमेल भी करती हैं, जो इंडिपेंडेंट फीमेल हैं, सिंगल हैं, तो उनके साथ भी ये चीज़ें होती है। कॉल करती हर केंजे माइकल को, जो हर केंजे माइकल प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक ये वीडियो मेरे देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इनके पर्सन क्या है, प्लीज़ गाइड मी हर केंजे माइकल। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करना चाहती है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन है कि आपके पर्सन को और ज्यादा अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए, और इसके लिए थर्ड पार्टी किसी से स्पेल ले रही है। या तो खुद ही चीजें कर रही थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, तंत्रा मैजिक कुछ तो कर रही है, नहीं तो किसी से करवा रही है। डेफिनेटली किसी से करवा रही है, और उसकी विश फुलफिलमेंट है, उसको फियर है, जो कुछ उसका अच्छा खासा चल रहा है वो उसके हाथ से निकल ना जाए। इस फियर में थर्ड पार्टी ये सारी चीज़ें करेंगी आपके पर्सन के साथ। बट यहाँ पे बार बार एक बात आ रही है, सिक्स ऑफ सोर्स आ रहा है, टावर मोमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी सिक्स ऑफ सोर्स एंड डेथ की बात हो रही है। उसको फियर है कि ये सब कुछ आपके पर्सन सब कुछ खत्म करके एक दिन चले जाएंगे, तो वो तो जाने ही है। कितने स्पेल करवाएगी, कितने तंत्रा मंत्रा करेगी, जो है सो है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी प्रस्ताव आपके पर्सन के सामने रखेंगे कि हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए बात ये आ रही है कि हो सकता है ये सब कुछ करने के बाद भी वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, और आपके पर्सन अपनी मैरिज को चुनते हुए दिख रहे हैं। अभी आपके साथ मैरिज है, तब भी आपके साथ आएंगे, और उसके साथ मैरिज है तो थर्ड पार्टी जो प्रस्ताव रखेगी, चलो जो कुछ भी हो गया वो सब कुछ उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो वो नई शुरुआत आपके पर्सन एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि ये लास्ट वाला थर्ड पार्टी के पास हथियार होता है कि अब आगे क्या करेंगे। आपके पास इनकी मजबूरी है, ये एम्परर है ना, इनकी मजबूरी है, ये स्टेटस को बहुत डरते हैं। जो पेंटेकल के नजीक क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर आप के बारे में थर्ड पार्टी को पता है, थर्ड पार्टी पूरी कोशिश करेंगी कि आपके पर्सन आपसे कोई रास्ता ना रखे,
आपको कंप्लीटली डिटैच करके रख दे। अगर नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिटैच करते हैं, कोल्ड शोल्डर देते हैं, तो थर्ड पार्टी अपने ओर से एक प्रस्ताव लाए देंगी आपके पर्सन को फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की, कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगी। या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी का कोई ऑलरेडी कारोबार है, तो भले आपके पर्सन उसको कट करते हैं, बट वो या तो एक जगह पे काम करते हैं, नहीं तो कोई बिजनेस करते हैं, उस सिलसिले में उन दोनों का बातचीत और मिलना जुलना जारी रहेगा। फिर थर्ड पार्टी की प्रॉपर प्लानिंग, अगेन सेवन ऑफ पेंटेकल विथ लवर आया, फिर थर्ड पार्टी की कोशिशें लगातार रहेगी कि इस बंदी को अपने साथ कैसे आपको बचा के रखना है। अगर तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने लंबे समय किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आजकल उन दोनों में कोई कोल्ड शोल्डर चल रही है, कोई डिटैचमेंट हो गई है, तो आगे चलकर मुझे लग रहा है कि उन दोनों में फिर से पैचअप हो सकता है। हाई प्रिस्टेस का एनर्जी क्यों है? हाई प्रिस्टेस का एनर्जी है जजमेंट का काड़ा यहाँ पे आया है। जो करेगी थर्ड पार्टी उसका उसको भुगतना ही पड़ेगा। और जाने अनजाने आपके पर्सन का फॉल्ट है नहीं नहीं है, तब भी इसकी कीमत आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चुकाएंगे। डिवाइन ही खबर लेंगे। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है और आपके पर्सन को इस तरीके से किसी ने छीन लिया है, तो उसके साथ तो वो कर्मा होने वाला है। मैजिशियन की एनर्जी बताइए जी। मैनिफेस्टेशन टेक्निक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर कर रही है, उसको चाहिए आपके पर्सन के साथ एक लंबे पार्टनरशिप, लंबा रिलेशनशिप, और उसके लिए वही स्पेल ही कर रही है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन वापस उसके साथ जुड़ जाए, इसलिए थर्ड पार्टी स्पेल कर रही है। नाइन ऑफ कप को क्लियरिफाई कीजिए। विश फुलफिलमेंट है आपके पर्सन उसके लिए जी। नाइन ऑफ कप को स्टार ने क्लियरिफाई किया है, विश फुलफिलमेंट है, इसीलिए आपके पर्सन को इस तरीके से स्टक करके रखती है थर्ड पार्टी। अगर आपके पर्सन उसके लाइफ से चली गई, तो उसका सारा लाइफ जीरो फिर से हो जाएगा। फोर ऑफ कप को क्लियरिफाई करें एम्परर, आपके पर्सन उसको रिजेक्ट कर देंगे और इसी डर से थर्ड पार्टी अपनी जो कोशिश है, दो स्टेज आगे होती है उसकी कोशिश है। या तो आपके पर्सन इतना होने के बाद सच में उसको डिच करके आपके पर्सन चले जाएंगे, क्योंकि इतने बंद कर रहने वाले तो आपके पर्सन है नहीं। तो जब तक आपके पर्सन की डिज़ायर है, तब तक आपके पर्सन है उसके साथ। जिस दिन डिज़ायर ख़त्म है और कोई स्पेल वगैरह नहीं कर रहे थर्ड पार्टी, तो हो सकता है आपके पर्सन उसको डिच करके आ जाएंगे। अगर स्पेल कर भी रही हैं और आप इधर से हीलिंग दे रही है, तो आपकी हीलिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर सच में ऐसा होता है तो। क्योंकि यहाँ से डिचिंग की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन जैसे कि डिच कर देंगे और वो एंजाइटी में, वो ग्रजेस में दिख रही है, फिर वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी आ रही है किसी की, और फिर एंड की एनर्जी आ रही, और फिर किसी की शादी की, जैसे कि ट्विन फ्लेम का यूनियन का स्टार्ट हो गया, ऐसा सोच के साथ, क्लैरिटी के साथ। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई करते हैं, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स, वही चीटिंग होगी। इतना सब होने के बाद आपके थर्ड पार्टी की जो चीटिंग की जो धोखाधड़ी है, समझ में तो आ जाएंगे आपके पर्सन की, और यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग आपके पर्सन को मिलेगी। और स्टक है आपके पर्सन, तो आपके पर्सन वहां से आजाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन है, इसीलिए आपके पर्सन को किसी न किसी बहाने से थर्ड पार्टी पकड़ के रखिए, जहाँ पे फाइनेंस या फिर मनी रिलेटेड कोई काम है, इसलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कनेक्टेड रहने की फिर से रिलेशनशिप को प्लानिंग प्लॉटिंग करती हुई दिख रही है। बट अगली नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा ना, उसके लिए उसको डिवाइन से बहुत बड़ा कर्मा उसको चुकाना पड़ेगा। और कर्मा में एक साइड ये आती है कि आपके पर्सन को रियलाइज हो जाएगा शायद कि थर्ड पार्टी कर क्या रही है, किस तरीके से मुझे बांध के रखा है, और मेरे आंखों पे किस तरीके से थर्ड पार्टी ने पट्टी पढ़ा दी, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं से तो हीलिंग जा रही है। और उस हीलिंग का नतीजा ये है कि आपके पर्सन इस बंधन से छूटते हुए मुझे दिख रहे हैं, आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं,
जो आपकी विश फुलफिलमेंट है कि आपके पर्सन इस टॉक्सिक बंधन से निकल जाए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिच करेंगे, थर्ड पार्टी ये कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन उसको डिच ना करे। इसके लिए थर्ड पार्टी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे। बट अगर आपके पर्सन एम्परर की पावर में आ रहे हैं तो उसको डिच करके आपके पर्सन मुझे लगता है आगे चलकर भाग जाएंगे थर्ड पार्टी के लाइफ से, क्योंकि आपके पर्सन समझ जाएंगे कि उनके साथ अब तक बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। तो वहाँ से मौन करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, जैसे कि अपना पूरा बैगेज लेके आपके पर्सन जाते हुए दिख रहे हैं। और ये जो टॉक्सिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को खींचने की कोशिश कर रही है, बट ये नाव के तीन जो ये क्रो है ये क्या खींच पाएंगे? नहीं बट ये कोशिश हो रही थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को वापस उस दलदल में लाने की, बट ऐसा होगा नहीं। ये चीटर की ओर से कोशिश हो रही आपके पर्सन समझ जाएंगे। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस। यस, मेजर शिफ्ट होगा और यहाँ पे एम्प्रेस की जीत होने वाली है। उसके नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें होने वाली है। वो नेक्स्ट एक्शन जो कुछ करेगी ना उसमें ये चीज़ें आपके फेवर में आती हुई मुझे दिख रही है। फोर ऑफ सोर्स को क्या, फोर ऑफ सॉरी फोर ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कीजिए जाए जी। हाँ, आपके पर्सन आपके टूर से आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। फिर ये पर्सन एक डिफेंसिव मोड पे आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके टूवर्ड्स इनका एक्शन दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का। इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, या फिर आप इस पर्सन के साथ पहले से रिलेशनशिप में थे और आपका रिलेशनशिप शादी की ओर जा रहा था, तो वहाँ से फाइनली आपके पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ रही है, अगर थर्ड पार्टी इनके माताजी है और इनके माताजी ने आपके पर्सन को किसी न किसी बात, अब यहाँ पे मैं लवर की बात नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मैं पार्टनरशिप हो बोल सकते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारी उठाने की बात बोल सकते हैं। तो चीज़ें ऐसे आती है कि अगर आपकी मीन्स आपके पर्सन की माताजी है, आपके साथ रिलेशनशिप आपके पर्सन का अगर ग्रो होता है, तो वो कोशिश ये करेंगी कि इस रिलेशनशिप को किस तरीके से उसको तोड़ना है। तो उनके लिए भी वही बात आती है कि उस रिलेशनशिप को एंड अप करके मुझे लगता है ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे। ये कहीं और मैरिड है, आप भी कहीं और मैरिड है। तभी देखिए, या और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अक्सर ऐसा होता है, तो ये ट्विन फ्लेम का यूनियन तो दिख रहा है आपको, आपके पर्सन का वो प्यार तो मुझे दिख रहा है। किसी का मैरिज है तो खतरे में है, नहीं तो किसी का मैरिज एंड अप होने में नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है। ऐसा आप सोच के ना जी, हैंग का रिलेशनशिप आपका लंबे समय से और अब मैरिड है और आपके आपका रिलेशनशिप हैंग था, बच्चे हैं आपके, बट पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं। हैंग में रिवर्स था, उस सिचुएशन से पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं। ये आपके पास आएंगे, बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे, फैमिली की जिम्मेदारी उठाएंगे, या फिर आपको आपके साथ शादी की बात बोलेंगे। ये पर्सन सीधी सीधी बात होगी आपको लेकर कि हम लोग शादी करेंगे, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्रू वेलविशर मानते हैं आपके पर्सन। तो थर्ड पार्टी के नेक्स्ट सेशन में तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी और एंजल ने बहुत ही डिटेल और डीपली एनर्जी दे दी, आपके लिए भी दे दी। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, वो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली है, इतना समझ में आ रहा है। मारने दो, आपका क्या जाता है, आपके लिए तो अच्छी बात है। हर बात की अति जो करते हैं ना गाइस, तो उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उसके साथ इनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम बताइए। वैसे आपने हमें बता दिया है, बट एक बार फिर से प्लीज क्लेरिफाई कीजिए फाइनल आउटकम क्या है।
टेन ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोर्स, फुल, फोर ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, रख लो एक बार अच्छे से। देखिए फाइनल आउटकम में ना आपके पर्सन, तो अगर आप फैमिली ही हैं आपके आपके साथ, उसको चॉइस करते हुए दिख रही है, पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। फाइनल आउटकम में थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन मोड दिख रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली डिटैच कर देंगे, गोस्ट कर देंगे। थर्ड पार्टी बहुत स्टक होने वाली है इस रिलेशनशिप में, धोखा दे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिर भी रहते हैं, फैमिली बनाकर रहते हैं, तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है। फाइनल आउटकम में आपके पर्सन उस दुख भरी, दर्द भरी, धोखे वाली रिलेशनशिप में शायद हो सकता है काफ़ी लंबे समय के लिए स्टक हो जाएंगे। कोई रास्ता नहीं दिखेगा आपके पर्सन को अगर आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पर्सन से अपनी सारी इकोनॉमिकल ज़रूरतें पूरी करेंगी, और हो सकता है कि आपके पर्सन से ट्रेडिशनल मैरिज की भी बात कर सकते हैं थर्ड पार्टी की। अब शादी कर ले अगर शादी आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ नहीं हुए है तो। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिश कर कर भाग जाते हैं, एक रिस्क उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ होने वाली है। एक सेपरेशन मोड, गहरा सेपरेशन मोड थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। आपके पर्सन से ब्रेकअप वाली सिचुएशन, या फिर हो सकता है आपके पर्सन हमेशा के लिए उसको कोल्ड शोल्डर दे दे। सोचेंगे तो यही आपके पर्सन, वो अपनी सिचुएशन में स्टक होने वाली थर्ड पार्टी, कोशिश करेगी थर्ड पार्टी की इन हालातों से निकलना कैसे, क्योंकि बात आती है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिकल सेटिस्फैक्शन की, इकोनॉमिकल नीड होती है, तो उसके ऊपर काम अगर करना है तो आपके पर्सन को अप्रोच करना है, आपके पर्सन के साथ आना है, आपके पर्सन के साथ जुड़ना है किसी भी हालत में। ऐसे में थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी आपके पर्सन से प्यार से बात करने की, या फिर कोई कोई प्रस्ताव फिर से रखेंगी। काउंसलिंग करेंगे थर्ड पार्टी, खुद की भी या फिर आपके पर्सन की भी, किसी के माध्यम से काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगी, किसी ऐसे पर्सन से जिसकी सारी बातें सुनते हैं, जिसका रिस्पेक्ट है, किसी ऐसे पर्सन से जुड़ेगी थर्ड पार्टी। इन शॉर्ट आपके पर्सन से, आपके पर्सन की फिर से ब्रेन वॉशिंग होगी किसी और माध्यम से। टेन ऑफ कप की एनर्जी टू ऑफ कप, चलो हम दोनों फैमिली बनाते हैं, ये चीज़ें इस रिश्ते को आगे लेके जाते हैं, ये चीज़ें। हाँ अगेन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत आ रही है आपके एनर्जी में, या तो आप फीलिंग दे रहे हैं आपके पर्सन उस जंजाल से निकल के आ जाए, या तो थर्ड पार्टी सीक्रेटली आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल कर रही है और डिटैचमेंट मोड में, और वापस आपके पर्सन उसके साथ रिच आउट हो जाए, किसी प्रैक्टिशनर से जुड़ी थर्ड पार्टी। फुल की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ फैंड्स एंड फायर पेंटिकल, पैसे की बात आती है। थर्ड पार्टी को इकोनॉमिकल कंट्रोल चाहिए,
अपनी लाइफ में जो अकेलापन है उसको, उससे बाहर आने के लिए थर्ड पार्टी एक रिस्क को लेने वाली है। उसको फाइनल आउटकम में, बट मुझे दिख तो यही रहा है कि बहुत अपने लाइफ में अकेलापन उसको मिलने वाला है, बट वो क्या करती ना, इतने लंबे समय में एंजाइटी में रहने वाले है नहीं वो। किसी न किसी से जुड़ती ही रीच आउट होती है और कोशिश करती रहती है आपके पर्सन वापस उसके साथ आ जाए। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स। बर्डन बहुत बढ़ने वाला है, आपके पर्सन निकलते हैं वहाँ से तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये चीज़ें आपके पर्सन के लिए बहुत बहुत तो डिफिकल्ट है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? हाँ, बट यहाँ पे बात क्या होती है ना, हाई प्रिस्ट की एनर्जी और एस ऑफ सोर्स। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिच कर देंगे और यही पे अगेन एस ऑफ सोर्स विथ हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस दोनों बहुत पावरफुल एनर्जी आई है। आप अगर यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है तो आपके पर्सन भी आपके इक्वल लेवल में आते हैं, क्योंकि उनको कुछ अवेकनिंग हो गई, कुछ डाउनलोड हो गया, उनमें कुछ मैच्योरिटी आ गई है और आपके पर्सन उसको कट आउट करके आपके पर्सन आपके टूर्स आएंगे, आपके साथ आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ही मैं सब कुछ करूंगा बट मुझे क्लैरिटी चाहिए ये बात बोलेंगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरीके से क्लैरिटी दे नहीं सकती, आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कोई वशीकरण सम्मान किया जा रहा है आपके पर्सन के ऊपर, तो हो सकता है इस इफेक्ट में आपके पर्सन आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन उसके बातों में नहीं आने वाले। हो सकता है आपके पर्सन उसकी बातों से कन्विंस नहीं होंगे और ये उसको डिश करके आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए एंजल। सेवन ऑफ कप, ऑप्शंस। अब तो ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ एक से ज़्यादा ऑप्शन भी थे लाइफ में आपके पर्सन के अलावा। चीटिंग के मामले में ये भी बात आ सकती है, स्टक हो जाएंगे थर्ड पार्टी अपने ऑप्शंस में। टेन ऑफ सोर्स, ये आपके पर्सन निकलते हुए दिख रहे, निकल जाएंगे, मिस करेंगे आपके पर्सन को बहुत। अकेलापन दिख रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में आगे। धोखे की कीमत वही होती है गाइस, चीटिंग से कोई बात नहीं कर सकता। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पर टेन ऑफ पेंटेकल। अगर थर्ड पार्टी भी मैरिड थी और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पार्टनर के कंपेयर में आपके पर्सन को अच्छा समझा था, क्योंकि आपके पर्सन का वजन काफ़ी, मीन्स नॉट अ वेट वाइज, इकोनॉमिकल या फिर पावर वाइज, और उसने अपनी भी फैमिली के साथ गद्दारी की थी, तो उसको उस फैमिली से भी लेफ्ट अलोन फील करवाया जाएगा और आपके पर्सन भी उसको अकेला छोड़ के चले जाएंगे। ये पर्सन थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी वापस अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत कोशिश करेंगी। पेज ऑफ पेंटेकल को क्यों है? पेज ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, उसकी विक्ट्री तो नहीं मिलेगी उसके लाइफ में। विक्ट्री पाने के लिए लाइफ में थर्ड पार्टी ने लंबे समय से कोशिश करी, आपके पर्सन को बहुत लंबे समय से थर्ड पार्टी ने फंस के रखा है, 10 महीने, 10 वीक, किसी किसी के लिए 10 साल। यूनो पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। प्लानिंग प्लॉटिंग जारी रहेगी बिकॉज शी वॉन्ट बैलेंस इन हर लाइफ, शी और ही वॉन्ट्स बैलेंस इन हर लाइफ। सो उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग जारी रहेगी आपके पर्सन को कैसे वापस इस रिलेशनशिप में लाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वो तो चुप नहीं बैठती कभी भी। वही अप्रोच करेंगे आपको पर्सन को। आप मैरिड पर्सन है और आपके साथ थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया है ना, तो ये हो सकता है आपको ये बात बोले, क्योंकि अब अपने उसने मैरिड रिलेशनशिप सुधारनी है, तो ये बात बोल सकती है कि हम नई शुरुआत करेंगे। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में, तो आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि अब चाहिए आपके पर्सन को फैमिली, आपके पर्सन को चाहिए फैमिली के साथ हैप्पीनेस। तो आपके पर्सन आपके साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन की बात आ रही है बार बार यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स के साथ रिकन्सिलेशन की एनर्जी है।
तो देखिए, झूठ नहीं बोलूंगी, जो बात लग रही है वो बात बोलूंगी। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, तो कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा आपके लिए खतरे की घंटी की तरह की। अंत में पर्सन थर्ड पार्टी कुछ भी करे, कितना भी करे, अपने मैरिज को चॉइस करेंगे। रिकन्सिलेशन थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन करते हुए दिख रहे, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन आपके साथ होते हुए दिख रहा है। बावजूद इसके आपके पर्सन आपके साथ रिकनसाइल होंगे, बट थर्ड पार्टी, यहाँ पे टू ऑफ कप्स एनर्जी शुरू हुई थी, एंड भी टू ऑफ कप के साथ हुई है। मिस थर्ड पार्टी नेक्स्ट एक्शन में इतना रामायण होने के बाद भी ऐसा कुछ जुगाड़ करने वाली है हाई प्रिस्टेस के साथ मिलकर कि आपके पर्सन वापस उससे रिकनसाइल होंगे, और डेफिनेटली वो कोई सेक्सुअल ऑफर आपके पर्सन को देगी, वो भी बड़े अलग अंदाज से। नाइट ऑफ कप की भी दो बार एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलकर आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल कर रही है, कुछ तो मैजिक कर रही है, जिससे आपके पर्सन डिनाई नहीं कर पाएंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो सिनेरियो चल रहा है, ये 10 महीने का हो गया या फिर 10 वीक का हो गया। 10 महीने 10 वीक का समय आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच था ये ब्रेकअप वाला, बट 10 महीने के बाद मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिकनसल या तो हो गए, नहीं तो होने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ भी फैमिली बना के रखेंगे, बट ये थर्ड पार्टी के साथ भी फिर से जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट ये जुड़ते हैं तो देखिएगा, ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ तो होने वाली है। फिर वही, और इस बार आपके पर्सन को कोई नहीं निकाल पाएगा, आप ही आपके पर्सन को हीलिंग देना छोड़ देंगे। मैं तो बोलूंगी हीलिंग आप अपने लिए लो, जो बार बार उसको उसी गटर में जाना है तो क्या आपको उसको हीलिंग देनी है। हीलिंग अपने लिए दो, अपने को स्ट्रांग बनाओ, आपको ऐसे ऐसे लेवल पे बना दो कि आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद ही सक्षम हो जाएंगे। फिर क्या थर्ड पार्टी, क्या आपके पर्सन, उनको घुटने टेक कर आना पड़ेगा आपके पास। आप अपने पावर में आ जाओ, देखते हैं आपका फ्यूचर क्या रहेगा आपके पर्सन के साथ। मैं वही बोलूँ कि ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये आप मैरिज है आपके पास आते हैं तो अच्छी बात है। थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तब ये पर्सन थर्ड पार्टी का हर अप्रोच सहन कर लेंगे, लगता ऐसा ही रहा है मुझे। जब थर्ड पार्टी इनको बहुत धोखा देती, इनके साथ बैकस्टेबिंग करती, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं। आप काफ़ी हद तक मौन हो गए होते हैं, बट आप फिर से ट्विस्ट हो जाते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स जस्टिस देंगे आपके पर्सन आपको, बट बात ही हिडन है। सिक्स ऑफ कॉइन जिम्मेदारी उठाएंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स आपके साथ तो आते ही दिख रहे हैं। सेवन ऑफ कॉइन्स हेरोफेंट क्लैरिटी फाइव ऑफ कप किंग ऑफ कॉइन क्वीन ऑफ कप एस ऑफ वैंड्स। शुरुआत तो आपके साथ भी हो रही है, मिलन उनके वहाँ भी हो रहा है, आपके साथ शुरुआत हो रही है। आपको भी स्टेबिलिटी दी जा रही है, आपको भी प्यार मिल रहा है, आपके साथ विक्ट्री एंजॉय किया जाएगी, क्योंकि आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज है। दोनों की एनर्जी मैंने निकाल ली, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। आप करते हैं प्यार, आप मिस करते हैं आपके पर्सन को, आपको क्लैरिटी चाहिए आपके लाइफ में, आपको एक पैशनेट स्टार्ट चाहिए, जो ऐसे स्टार्ट ऐसे एक्शन जो अगर आप इनके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अच्छे से निभाएंगे और ये निभाए, ये कोशिश है आपकी। प्लानिंग तो करते हैं आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस देने की, मैं आपको जस्टिस दूंगा, मैं आपको न्याय दूंगा, ये बात बोलेंगे, बट हिडन कुछ इंटेंशन है आपके पर्सन के, इससे सावधान रहिएगा। खास कर अगर आपका फाइनेंस अच्छा है, कुछ आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बिजनेस है या फिर डील हुई है
और आपके पसंद का रवैया, आपका आपका ये जो चीज़ें चल रही है उसको देखकर अगर चेंज हो रही है तो आपको बहुत अल्ले ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बोलूँगी यहाँ पे। पैसे की जब ये बात आती है, लेने देने की बात आती है, तो थोड़ा होशियार रहिए, क्लेवर रहिए। आपके पसंद की इंटेंशन में मुझे कॉइन दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत विक्टोरियस फील हो जाएंगे जब आप इनको बहुत कुछ देंगे। तो आप कब के हैं? थ्री ऑफ फैंस की एनर्जी बताइए जी। थ्री ऑफ फैंस को थ्री ऑफ फैंस से क्लियरफाई कर रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, इन्होंने मन बना लिया है आपके साथ रिलेशनशिप में आए और आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छे से स्टेबल बनाए, प्रोग्रेस करें, क्योंकि इनकी लाइफ की प्रोग्रेस आपके साथ है। आप बहुत स्टेबल हो, फाइनेंस बड़ा अच्छा है, तो जस्टिस की बात होगी, वही आपको न्याय देने की, या फिर डिवोर्स की बात अगर आपकी चलेगी। अगर ये पर्सन डिवोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे मसला पेंटेकल का बहुत रहेगा। आप मेल हैं और वो फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे मांग सकती है, या फिर आप फीमेल है और आपके पर्सन आप दोनों का रिश्ता अच्छे से जा ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि फिर आप बोलेंगे कि हमें डिवोर्स चाहिए, और आप अपने एलिमनी जितने आपकी ज़रूरत है उतने आपके पर्सन आपको देंगे नहीं। मून की एनर्जी को क्लेरिफाई करा है फाइव ऑफ कप। इमोशनली हर्ट तो आपके पर्सन बहुत हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर ये बात नहीं है तो आपके पर्सन आपको जस्टिस देंगे, आपको वो वैल्यू देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे जो इन्होंने आपको दी थी नहीं, आपके अना के साथ आपके पर्सन खेले थे, तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ करेंगे। सिक्स ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई करें आप एट ऑफ सोर्स में, वही है, मैंने आपको वार्निंग मैसेज दिया है। पैसे की बात जहाँ पे देने आने की बात होती है, देने लेने की, थोड़ा संभल कर कीजिए, आप कहीं फंस सकते हैं, फंस सकते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है लवर, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन जहाँ कहीं भी थे, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जिस हालात में रखा है, आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, या आपके साथ रह सकते हैं बट ये आपके लिए कुछ, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिम्मेदारी उठाए, कुछ पेंटेकल का सपोर्ट करे, वो नहीं करेंगे, ये अपनी मजबूरी बताएंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। प्यार ही आपसे देंगे, खास करके फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके साथ बनाएंगे, उसको खूब इंजॉय करेंगे। आपके रिलेशनशिप में वो प्यार दिख रहा है, इक्वालिटी आपको नहीं मिलेंगी रिलेशनशिप में। पैशनेट होगा आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा सक्सेसफुली। फाइनेंस के मामले कुछ मजबूरी है आपके पर्सन की। एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ सोर्स में एरोपेंट बहुत आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे किसी का ट्रेडिशनल मैरिज हो रहा है, खास कर उस पर्सन को जिसको आप लंबे समय से मिस कर रहे हैं, वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, उस पर्सन से मुझे आपको एक मैरिज कमिटमेंट दिख रही है। देखिएगा आप जाइए इस रिलेशनशिप में, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा अलर्ट होकर डिसीजन लीजिए, प्यार में अंधे नहीं बनना है आपको। किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है? हक तो आपको लेना है, आपको छोड़ना नहीं है, मजबूरी बताएंगे ठीक है, उसके लिए उसको थोड़ा स्पेस दे दो, बट आपको हक आपको फिर भी लेना है। यहाँ पे देखिए नज़र है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर स्टॉक किया जाएगा, या तो आपको आपके पर्सन स्टॉक करेंगे, नहीं तो आप दोनों को कोई स्टॉक करेगा। किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी क्यों है? मैच्योरी एनर्जी आपके पर्सन की बहुत दिख रही है। अभी भी आपके पर्सन बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं है ऐसा लगता है। क्यों आप प्यार को लेकर, आप आपके पर्सन के इस एक्शन को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि प्यार जिस जिस मायने से या फिर जिस तरीके से आना चाहिए वो मिलता नहीं है, आपकी ओर से फुल जा रहा है, आपके पर्सन कंफ्यूज है, सोच नहीं पा रहे। मीन्स अगर आप इनको आई लव यू बोलते हैं तो इनको लव यू टू बोलने के लिए बहुत टाइम लगता है, कभी कभी बोलता ही नहीं, बस हूँ हाँ ओके करके छोड़ देते हैं, बिकॉज इज कंफ्यूज। एस ऑफ फैंस, एस ऑफ फैंस को क्लेरिफाई करें यहाँ पे एम्प्रेस। जब बिजनेस आपके लाइफ में आने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता, थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। यहाँ पे एरोफेंट ही बार बार आ रहा है, एरोफेंट की एनर्जी बहुत आ रही है आपकी एनर्जी में। फोर ऑफ पेंटिकल स्टार,
या तो आप बहुत फेमस हैं, आप स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग पावरफुल हैं आप, बहुत फेमस हैं, नेम फेम है आपकी, आपको तो लेट गो नहीं करेंगे भैया, आप तो अबेंडेंस की मूर्त है, जब जहाँ पे आप हो किसी बात की कमी होती ही नहीं है, न प्यार न लव न केयर नर्चरिंग अबेंडेंस मनी ऐश्वर्य लग्जरियस माने लग्जरियस लाइफ सब कुछ मिलता है, सबका पूरा पैकेज हो, आप कैसे जाने देंगे आपको। बट आपके पास सब कुछ है तो आपको सब कुछ लुटाना नहीं है, सोच समझ के लुटाना है, अपने ट्रेडिशनल मैरिज को आपने मैनिफेस्ट किया है वो हो जाएगा आपका। होगी नहीं लंबी रीडिंग 1 घंटे की, चलो सीधा पेंजल के मैसेज निकाल लेते हैं। मुझे लगा था आज का टॉपिक बहुत लंबा जाएगा, इसमें मेरी 4 रीडिंग बनती थी, बट मैं खुद ही कनेक्ट नहीं होती तो मैं क्या आपको रीडिंग दूँ। एंजल क्या मैसेज देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए? परफेक्ट टाइमिंग, कॉम्प्रोमाइज, गेट मोर इन्फॉर्मेशन हियर फ्रॉम नाउ। 10 महीने मैंने बोला ही था कॉम्प्रोमाइज़ है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और मेरे मुझे भी लगा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है आपके रिलेशनशिप में, बट परफेक्ट टाइमिंग आएगी आपके लाइफ में, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किंग ऑफ पेंटेकल एंड पेज ऑफ सोर्स आया था, तो इस किंग के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है अभी, यहाँ से लगभग 1 साल आपको और लग जाएगा। नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल, आपको चिंता करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, रिकंसिडर कर सकते हैं, अगर किसी के लाइफ में नया ऑप्शन आ रहा है, यू कैन गो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 10 वीक या फिर 10 मंथ का समय है, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं। ये है एंजल के पूरे मैसेज आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, एनर्जी एक्शन के लिए आप लाइक कर सकते हैं चैनल को, ताकि जब भी मैं रीडिंग निकालूँ तो आपकी एनर्जी अच्छे से पिक मुझे हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।